एक अंग तो लेके 1400 अंग तक हर शब्द जेड़ा है सानू एक सुनेहा देंदा है, एक मैसेज देंदा है, जिंदे विच सतगुरु ने जीवन दे हर पड़ा की गल कीती है। उन्दे विच सतगुरु ने जीवन दे अंदर आने वाली खुशी का जिक्र किया है, गमियां का जिक्र किया है, मन अंदर पैदा होने वाली आशावां का जिक्र किया है। फिर उन्होंने पिछे बंदे की भज दौड़ का जिक्र किया है। फिर उन्होंने सभना के विचों किमें कादर की कुदरत नूं समझ के जीवन जीना है, ये प्रेरणा सतगुरु ने सानू इन्हां पावन बचना दे विच दित्ती है। पर यह चीज समझ में तो आएगी, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने सिखा ने पूछया, दातार गुरु हर राय साहब जी ने सतगुरु बाणी पढ़ते बहुत हाँ, पर मेरे मालक जी बाणी पढ़ी तो असी बहुत ते पढ़ते भी हाँ, पर कृपा करके ये दसो भी सतगुरु जी बाणी साढ़े जीवन विच असर की करेगी, या बाणी का साढ़े जीवन विच असर किवें हुंदा है। धन गुरु हर राय पातशाह जी ने सिखां नूं आखिया भी तुहानूं जवाब जरूर मिलेगा, पर जे मैं तुहानूं इंज गल समझा दियां ते तुहानूं समझ नहीं आनी। इहदे लई एक प्रैक्टिकल तुहाडे सामने कोई उदाहरण होनी जरूरी है, तां कि तुसीं उस प्रैक्टिकल चीज़ नूं वेख के उस चीज़ नूं ऑबजर्व करो अपने अंदर, तुहानूं समझ आए भी बाणी दा साडे जीवन दे विच महत्व की है। सतगुरु धन गुरु हर राय पातशाह जी सिखां नाल जा रहे ने, दूरों एक चमकदी हुई चीज नज़र आई। जदों उस चमकदी हुई चीज वल ध्यान सिखां दा गया, सिखां ने धन गुरु हर राय पातशाह जी नूं इशारा किया भी सतगुरु सामने कोई चीज़ बड़ी चमक रही है धुप दे विच। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह गुरु हर राय साहब जी सिखां नूं नाल लै के उस थां ते गए, की वेखदे ने सामने एक घड़ा टुटा होया है, ते उस टुटे हुए घड़े दियां जिहड़ियां बिबरां ने, पंजाबी च जिहड़ा शब्द है असी कह दें कोई पत्थर टुट जाए, जिहड़ा घड़ा है ना जिन्हों घर विच वरत्या जांदा सी, खास करके जिंदे विच दुध पा के ते काढ़िया जांदा सी, उह जदों टुटिया ते किसे ने सवाणी ने उहनूं घर तों बाहर सड़ दिता, ते हुण उह जिहड़ा घड़ा सी जिहड़ा उह चाटी सी जिंदे अंदर दुध गर्म रखिया जांदा सी, वो हुण कड़ कड़ के उन्दे अंदर दुध जिहड़ा है ना उस उन्दी मिट्टी दे अंदर उस ने उन्दे अंदर समाया होया सी, ते जदों धुप लगी धुप लगन दे नाल हुण जिहड़ी उन्दे अंदर थंधियाई सी उह बाहर निकली, जदों सेक लगदा है सेक लगन दे नाल उह थंधियाई बाहर निकली, ते जदों बाहर निकली उह धुप दे विचों दूरों इंज चमक रही सी जिवें कोई कीमती चीज़ पई होवे। सतगुर धन गुरु हरगोबिंद गुरु हर राय पातशाह जी कहन लगे, गुरु के सिखो तुहाडा सवाल सी ना, लो अज तुहाडे सवाल का जवाब भी तुहानूं मिल गया। पातशाह कहन लगे, ये जिहड़ा सामने चमकदियां होईयां बिबरां ने ये भला किंदियां ने? सिख कहन लगे, सतगुर जी ये किसे सवाणी ने औरत ने घर विच इहदे च दुध काढ़न वास्ते धरिया होना है, भांडा बड़ा समा यूज होया होना है, इहदे च रोज़ दुध कढ़दा होना है। पुराने समय च ना अज जो चीज़ा सी शहर विच आर्टिफिशियल चीज़ा ही, मैं तो कहना इन्हां सारियां चीज़ा, पर जदों दुध लियाना सवेरे तो उन्हूं फिर काढ़नी विच पा के तो कढ़न दे लई रख देना, स्पैशल एक थां बनाई हुंदी सी घर विच, आप विचों बड़िया ने शायद वेख्या होवे, वो तो सारा दिन दुध कढ़दा रहिंदा सी, सारा दिन सवेर तक दुध जिहड़ा ना कढ़ कढ़ के लाल हो जांदा सी शाम तक, फिर उन्हूं रात नूं जाग लानी,
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੰਧਿਆਈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਥੰਧਿਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਕਾੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਕਾੜਿਆ ਅਤੇ ਘਿਓ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿਮਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੜੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੰਧਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਪਰ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਰਸੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘਿਓ ਰਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਖੀ ਜਾਈਏ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਗੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜਕੇਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝੇਗਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਚੇਗੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਥੰਧਿਆਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਆਣਾ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਹੋਵੇ ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਲ ਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਮਤ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਇਆਣਾ ਸਮਝੇ ਇਆਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
हाँ किसी चंगी जगह पर अपने ज्ञान नू वरत लेना यह माड़ी गल नहीं, पर ज्ञान का मतलब यह नहीं भी हर जगह पर बंदा अपने ज्ञान की गल ही थोपी जाए, आखे भी नहीं मैं ही सियाणा तुसी सारे कमले हो। मेरे पातशाह जी की बाणी पढ़ो, सतगुर पातशाह जी कहिंदे ने जिहड़ा रब के चरणों में जुड़िया होया भगत सेवक होंदा है ना, बाबा कबीर साहब जी के बचन ने तुसी रोज़ बाणी विचों पढ़ दिओ, बड़ी बड़ी हुक्म रूप में पढ़े। बाबा कबीर साहब कहिंदे ने क्या पढ़िए क्या गुणीए क्या वेद पुराना सुनीए, पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलियो सोई, हर का नाम ना जपस गवारा क्या सोचें बारंबारा। बाबा जी कहिंदे ने वेद पढ़ रहे पुराण पढ़ ले स्मृतियां पढ़ लिया धार्मिक ग्रंथ पुस्तकां सब पढ़ लिया, पर पढ़न दे बाद सतगुर कहिंदे ने सिर्फ पढ़िया नहीं उन्हां नू गुणिया भी, गुणिया का मतलब उन्हां नू विचारिया भी, ते नाल सतगुर कहिंदे ने क्या पढ़ी है क्या गुणिया क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या कोई। बाबा कबीर साहब कहिंदे ने पढ़ सुन के की हो गया, भलिया जे इन्ना पढ़न दे सुनन दे बावजूद भी तेरा अंदर अजे भी उत्थे टिकिया होया है। ये तो गल इस तरह है भी जिवें कोई बाहरी तौर पर बंदा जीन वाला संसारिक बिरति विच जीन वाला बंदा अपनियां चीज़ां दा माण करी जांदा है, किसी कोलों बहुता धन इहनूं अपने धन का माण हो गया, जिवें बादशाह बाणी विच कहिंदे ने कबित पढ़े पढ़ कविता मूहे कपड़ केदार है जाई, कवि जिहड़ा उन्हूं अपनी कविता का माण है, वह कहिंदा मेरे वर्गा दुनिया ते कवि कोई नहीं। यह तो इसे तरह की गल होगी, सतगुर कहिंदे ने बार मुखी बंदा धन वाला धन का माण करी जांदा है, जिंदे कोलों संसारिक कोई वस्तु उहदा माण करी जांदा है, ते तू वेद पुराण पढ़ के उन्हां दा हंकार करी जांदा, फर्क तो कोई नहीं तेरे विच ते उन्हां विच, हर का नाम ना जपस गवारा क्या सोचे बारंबारा। पातशाह कहिंदे ने फिर धर्म के नाम से सिर्फ सोचन नाल गल नहीं बननी, ये तो कमाई का साथ कर्म है, ये कमाण दे नाल तेरे जीवन के विच आना, इस करके सतगुरु जी कहिंदे ने मत होंदी होए आना, अकल बड़ी होवे मत बड़ी होवे पर अपनी मत का विखावा ना करे संसार दे, अपनी मत नू संसार दे विच दिखावे ना भी नहीं मेरे वर्गा सियाना कोई नहीं। ध्यान देना किन्नियां एग्जाम्पलां तुहानू इतिहास विचों मिल जाणगियां, एक नहीं किन्नियां ही मिल जाणगियां। धन गुरु नानक पातशाह जी का जीवन तुसी सारे पढ़दे सुणदे हो, सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी जिथे भी गए जे देखो मेरे सतगुर पातशाह जी तीन दिन वेई नदी के अंदर जिहड़ी अलोप होने की घटना है उनके बाबत इतिहासकारां दी अपनी अपनी राय है, किसी ने आख्या बाबा नानक जी वेई नदी विच रहे, जन्म साखियां ने आख्या भी सतगुरु जी सचखंड विच गए, किसी विद्वान सज्जन ने आख्या भी नहीं सतगुरु वेई नदी तो पार गए पारले पासे दूजे पासे, उत्थे सतगुरु जी एकांत विच रहे तीन दिन, उस एकांत विच रह के धन गुरु नानक पातशाह जी ने अगला जिहड़ा कर्म करना सी अगला जिहड़ा सतगुरां ने पैंडा मिथना सी उहनूं सतगुरु गंभीरता दे नाल विचार करदे रहे वी किसे हद तक इह गल समझ भी आउंदी है, क्योंकि गुरबाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने अमृत बाणी ने किते करामात की गल नहीं की, ना दिखाण दी ते ना सिख नूं करामाती होण दी कहे, यह गल वखरी है भी सिख गुरु इतिहास नाल बड़ियां चीज़ां ऐसियां जोड़ दित्तियां जिते असी करामात दिखाण दे जिक्र करने हैं, पर जे सच विच करामात दिखाणी होंदी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इसे दिल्ली की धरती ते कहा गया सी या करामात दिखा दिओ तुहानू छड्ड दिता जाएगा या साडा धर्म तो मन लो तां वी तुहानू छड्ड दिता जाएगा, ते जे दोनों गल्लां मंजूर नहीं ते फिर तुहाडे लई तीजी मौत निश्चित है, फिर तुहानू मरना तो पएगा ही पएगा। हुण जे गुरु तेग बहादुर साहब जी की इन्नी सिख सौखी जी गल सी करामात दी, सतगुरु दिखा देंदे करामात कड़ी वड्डी गल सी, पर धन गुरु नानक पातशाह जी जदों भी किते गए ध्यान देना जदों भी किते गए सतगुरु ने किसी भी थां ते जा के बड़ी सिंपल वे दे नाल सतगुरां ने सारिआं नाल गल कीती है। हुण जोगियां तो ज़्यादा सियाणा तो कोई नहीं सी उस वक्त का, पातशाह जी कहिंदे ने जोगियों को जिन्ना ज्ञान है इन्ना संसार विच किसे बंदे को नहीं सी उस वक्त, पर जोगी जिहड़े जो सतगुरु उन्हां नाल डिबेट्स करते हैं चर्चा करते हैं तो धन गुरु नानक पातशाह जी उन्हां दे नाल चर्चा करन लग्गे उन्हां दे सामने अपनी मत का विखावा नहीं करते,
पातशाह जी बड़ी अधीनगी विच उन्हां नाल गलबात करदे ने, उन्हां ते जदों अपनी गल जिहड़ी गल सतगुरु उन्हां दी सुणदे ने उन्हां दा जवाब दिंदे ने, ध्यान देना भी नहीं भी सतगुरु उन्हां नूं कोई सवाल कर रहे ने, पातशाह जी उन्हां दीआं गल्लां दा जवाब दिंदे ने। तुसीं जदों बाणी पढ़दे हो राम कली सिद्ध गोष्ठ, उन्दे विच सारे सवाल जवाब ने। सवाल करन वाले कौन ने? जोगी ने। जवाब देण वाला कौन है? बाबा नानक है। पर इन्ना कुछ होने के बावजूद भी सतगुरु जी कोई गल कहिंदे ने जोगियां नूं वी तुसीं सियाणे ते बड़े हो, विद्वान बड़े हो, पर तुहाडी सियाणप ते तुहाडी विद्वता उह तुहाडे हंकार ने ढक लई है। किन्ना चंगा होंदा जे तुसीं इस सियाणप नूं इस ज्ञान नूं तुसीं समाज दे भले लई वरतदे। भी तुसीं पर्वतां ते बैठे हो, इत्थे करामातां करदे पए हो, अपनी उम्र लंबी करदे पए हो, इन्नी लंबी उम्र करके की कर लोगे? जे मान लो तुहाडी उम्र हज़ारां साल भी हो जाए ते पातशाह जी जोगियां नूं कहिंदे ने हज़ार साल जी के भी की कर लोगे? बैठे ते जंगलां विच ही हो ना, खाणा ते तुसीं कंद मूल ही है, हज़ार साल की उम्र भी की कर लेगी? किन्ना चंगा होंदा जे इस ज्ञान नूं तुसीं समाज लई वरतदे। जोगियां नूं समझ आई, धन गुरु नानक पातशाह जी का सुनेहा उन्होंने समझ में आया। तो जे सतगुरु जी अपनी मत का ही प्रगटावा कर लग पेंदे उत्थे कि जोगिया ने बाबे नानक की गल सुननी सी, तुसी जिथे अपनी मत की अपने ज्ञान की गल करनी शुरू कर दोगे, दूजा बंदा आखेगा तो हंकारी बंदा है, इंदे नाल ना गल करो। सतगुर कहिंदे ने मत होंदी होए इआणा, तान होंदे होए निताणा। पातशाह कहिंदे ने तान, तान का मतलब होंदा बल, गावे को तान, तान का मतलब है बल। कोई परमात्मा नूं इस करके गाँदा है क्योंकि वह वेखदा भी परमात्मा चू बल बड़ा है, परमात्मा चू तान बड़ा है। परमात्मा की कर सकता है? वह खिण विच धरती बना भी दिंदा, खिण विच ढा भी दिंदा। गावे को तान, कोई उहदे तान तो डरदा होया उहनूं चेते करदा है। ध्यान देना, धर्म की जिनी साधना, 99% लोग धर्म नाल इसे करके जुड़े होंदे ने क्योंकि उन्होंने मन में एक खौफ है, एक डर है। जे असी मान लो जो कर्म साढ़े मापे कमाते सन, जे नहीं कमाया तो साढ़े नाल कुछ अनहोना ना हो जाए संसार विच, इस करके इस पासे टुरदे ने। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहिंदे ने नहीं, तान होंदे होए निताणा, बल बड़ा होवे उहदे कोलों, बड़ा बलवान होवे। पर सतगुरु कहिंदे ने बल होण दे बावजूद भी निताणियां दी तरह रहे, अपने बल नूं दूजियां दे उत्ते यूज ना करे। ध्यान देना, बल दा मतलब सिर्फ हुण बाहर मुखी शरीरक बल ते नहीं ना, बल ते तान ते किसी भी तरह दा हो सकदा है। कोई ऑफिस विच बैठा है बंदा, बड़ी उच्ची पोस्ट ते है, बड़ी उच्ची पदवी ते बैठा होया है, वह उच्ची पदवी ते बह के जे अपने उस तान दा भी गलत इस्तेमाल करदा है, ते सतगुरु पातशाह कहिंदे ने सच विच उस भावें सवेरे चार जपजी साहब दे पाठ करके आया होवे, बाबा नानक जी कहिंदे ने कोई फायदा नहीं हुंदा जपजी साहब दे पाठ करन दा। जे उह ऑफिस विच बैठा बंदे नूं बंदा समझदा ही नहीं। ध्यान देना, जे मान लो कोई गुरु घर दा प्रबंधक ही है, उह सवेरे उठ के आके भी मैं ते सवेरे नितनेम करके आया, ते गुरु घर चो आ के सेवादार नूं सेवादार भी ना समझे, तो मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने फिर तेरी ते सेवा किसे लेके नहीं ना। होमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसै इक ठाए, होमे विच सेवा ना हो गई। सतगुरु कहिंदे ने होमे विच सेवा हो ही नहीं सकती। जिस बंदे दी मत विच तान है, होमे है, वह बंदा सेवा कर ही नहीं सकता, वो तो अपनी होमे नूं पट्ठे पा रहा है। इसे करके जदों तुसीं वेखदे हो सेवा करदियां होयां भी आपस में कड़शियां चल पैंदियां ने, सेवा करदियां होयां भी आपस में पग्गां लै जांदियां ने, इहदा मतलब है ये पग्गां लाण वाले ये वो बिरती विच ते नहीं जी रहे जिस विच सतगुर जीन लई कहिंदे ने। ये तो इहनां दा हंकार ही इहनां नूं एक दूजे के सामने खड़ा करके लिया के खड़ा कर दिंदा है। ये तो हौमे है जिहड़ी लिया के एक दूजे नूं आउण, फिर कहिंदा नहीं मेरी सेवा, वह कहिंदा नहीं मेरी सेवा। सेवा जिन्ने करनी होवे उन्दे लिए बड़े सोर्स ने गुरु घर दे लई, जदों मर्जी सेवा कर लो आके, सेवा जदों मर्जी कर लो। सेवा कोई दिखावे दी थोड़ा है भी किसी नूं दिखा के करनी। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे ने तान होंदे होए निताणा, बल बड़ा है। हुण बल किसी एक पासे दा नहीं, बल कोई भी हो सकदा है। हुण इह भी तो एक बल ही है ना, जदों बच्चे वाले मुंडे वाले
सासे कहती नहीं बड़ा पैसा लाया सी ते अपने मुंडे नू पढ़ाई दे विच, तुसी सानू थोड़ा दे रहे हो, तुसी अपनी धी नू दे रहे हो ना, जो उनकी गिच्छी ते गुठा रख के उनके कोलों मंगया जाए, ये भी तो तान ही है ना। तान किस चीज का है भी समाज में असं मुंडे वाले हाँ तुसी कुड़ी वाले हो। तो ख्याल करियो गुरु घर में सब तो लम्मा जकारा उही छड़ रहे होंगे ने, जेड़े इह जिहा काम करते ने सब तो लम्मा जकारा उन्हां दा हुंदा है गुरुद्वारे में। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे ने तान होंदे होए नितानां साहिब कहिंदे ने बल है, पर बल नूं संसार दे विच दिखांदे नहीं। महाराजा रणजीत सिंह जी, जदों तुसीं महाराजा रणजीत सिंह जी का इतिहास पढ़ते हो ना, मैं बेनती करा तुसीं जिन्ने बैठे हो अपने इतिहास दे उस सुनहरी अक्षर जरूर पढ़ो जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह जी दे समें दे ने, जिहड़े समें विच तुसीं राज कीता ना इस मुल्क ते, जदों अंग्रेजां ने पूरे सारे पासे राज कीता, सिर्फ पंजाब दा इक कीता, उदों पंजाब आ वाला पंजाब नहीं सी जिहड़ा पंजाब अज है, उदों पंजाब दी हद दिल्ली तक लगती सी, उधरों हिमाचल भी पंजाब दे विच सी, उदों पंजाब आ वाला नहीं सी जिहड़ा अज है, लाहौर तक सी पंजाब उदों। पर कभी महाराजा रणजीत सिंह जी का जीवन पढ़ के वेखो, मैं सिर्फ छोटी जी घटना कह दें उन्हां दे जीवन की, जा रहे सन ते कोई बच्चा छोटा जिहा, बच्चे जिवें आपस में बेरी ते बेर लगे ने ते ओह वट्टे मारदे पए ने बेर तोड़न लई, ते वट्टे मारदे पए ने, महाराजा रणजीत सिंह जी अपने काफले दे नाल तुरे जा रहे ने, ते जदों वट्टा मारिया उन्हां दा ध्यान नहीं गया, बच्चे आपस में लगे सन। वैसे बच्चे जड़े ने ना उन्हां दे अंदर ये भी नहीं होंदा भी सामने कौन कौन जा रहा, हुण उन्हें जदों वट्टा मारिया ते उह वट्टा महाराजा रणजीत सिंह जी नूं आके वज्जा, जदों वट्टा महाराजा रणजीत सिंह नूं वज्जा ते जिहड़े नाल सिख सन सेवक सन नाल सेवा विच, उन्होंने भज के जाके उन्हां बच्चियां नूं फड़ लिया, फड़ के महाराजा रणजीत सिंह जी दे सामने लियाए। महाराजा रणजीत सिंह जी पुछदे ने उन्हां नूं बड़ी निम्रता दे विच, पातशाह जिहड़े बचन बाणी विच कह रहे ने तान होंदे होए नितानां, महाराजा रणजीत सिंह कहिंदे ने बच्चिओ तुसीं वट्टा क्यों मारिया है। वह बच्चे खौफ दे विच डर दे विच कहिंदे ने हाथ जोड़ के कहिंदे ने असीं तुहानूं नहीं सी मारिया। महाराजा रणजीत सिंह कहिंदे फिर जे मैनूं नहीं मारिया तो किनूं मारिया सी, कहन लगे असीं तो बेरी तो बेर तोड़ने सां, असीं तो बेर तोड़दियां बेरी नूं मारिया सी ताकि बेर टुट के थले डिगण। महाराजा रणजीत सिंह अहलकारां नूं कहिंदे ने छड़ दिओ उन्हां बच्चियां नूं, इन्हां नूं छड़ के इन्हां नूं जो चीज़ चाहीदी होवे इन्हां दी उस मंग नूं पूरा कीता जाए। कोलों खड़ा सेवक कहिंदा महाराजा ये क्यों कर रहे हो तुसीं, तुहानूं वट्टा वज्जा तुहानूं वज्जा पत्थर आ के। कहन लगे कमाल की गल है जे बेरी नूं पत्थर मारिया बेरी बेर दे सकदी है ते सानूं वी ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने राज दित्ता है ना, जे इक सानूं वज गया ते की हो गया। ये है राज तान होंदे होए नितानां, ते किते अज दे हुक्म हुक्मरान होंदे ध्यान देना तुसीं गल भी नहीं कर सकते उन्हां दे, उन्हां ने जो कुछ किया तुसीं एक बारी मूँह खोल के विखाओ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे नितान होंदे होए नितानां अनहोंदे आप वंडाए। अनहोंदे का मतलब जदों कुछ भी नहीं हैगा, सारा कुछ खत्म हो गया, अनहोंदे का मतलब अनहोंद खत्म हो गया, सारा कुछ चला गया, पर फिर भी पातशाह कहिंदे अनहोंदे आप वंडाए, फिर भी जो कुछ सी उन्दे कोलों उन्नू भी वंडन तुर पिया। तुसीं पंजाब की धरती ते वेख रहे हो, मैं पिछले हफ्ते भी जिक्र किया सी, कईयां दे घर भी डुब गए, कईयां दीआं फसलां भी डुब गईयां, पर ध्यान देना अजे भी अपने आप नूं बचाण लगे हुए। इहनूं कहिंदे ने अनहोंदे आप, असीं ते इत्थे बैठ के सिर्फ गल्लां करन जोगे आ, पर सच है साध संगत जिदन शहरी बंदे ते मुसीबत आउंदी है ना, सब तो पहलां पिंडां वाले आउंदे ने, ते जिदन पिंडां वाले ते मुसीबत आउंदी है ना, सच जाने शहरां वाले अपने घरां चों बह के सिर्फ चाह ते पकौड़े ही खांदे ने मींह विच बह के, उन्हां दा ध्यान उधर जांदा ही नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जिहड़े बचन कहे ने पातशाह कहिंदे ने अनहोंदा आप वंडाए, उन्होंने जिन्हां कोलों सारा कुछ चला गया वह फिर भी अपना वंडन अपना आपा नहीं कुछ दे सकते, वह अपना समा ही दे रहे हैं, वह अपना समा लेखे ला रहे। इहनूं कहिंदे ने अनहोंदे आप वंडाए, ते सतगुरु कहिंदे ने जिंदे अंदर आप बिरती है ना कोई ऐसा भगत सदाए, पातशाह कहिंदे ने इहो जिहा भगत दुनिया के अंदर कोई विरला हुंदा है, इहनूं भगती कहिंदे ने। इस भगती लई दसो हुण
कुछ पढ़न की जरूरत है। आ जिहड़ी भगती मेरे सतगुर कह रहे ने इन्हां शब्दां विच, इस भगती विच सतगुर ने आख्या भी सुखमनी साहब का पाठ करो, इस भगती विच सतगुर ने आख्या भी गुरु ग्रंथ साहब जी दा नहीं, मैं नहीं कह रहा भी पाठ ना करो, पर आ जिहड़ी भगती है ये भगती है प्रैक्टिकली जिहड़ी तुसीं सुखमनी साहब जी की बाणी विचों, जपजी साहब जी की बाणी विचों, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों पढ़नी है। उस भगती नूं पढ़न तो बाद जिहड़ा प्रैक्टिकल जीवन है वह आ भगती है। इनू सतगुर कह रहे ने मत होंदी होए आना, तान होंदे होए निताना, अनहोंदे आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदाए। पातशाह कहिंदे ने इहो जिहा भगत कोई विरला है, इहो जिहा भगत कोई विरला ही लभदा है संसार दे अंदर जिंदे जीवन दे अंदर आ वाली भगती होवे। इस करके बाबा फरीद साहब कहिंदे ने जे भगती कमानी है ते पलिया, इस वाली भगती नूं गुरु दे चरणां दे विचों कमा। और ये भगती उदों आएगी जदों बाणी दा रस साडे अंदर होएगा, जदों अमृत बाणी दा प्यार साडे अंदर